तो हे यार नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त साइबर पंक 12 थीम के बारे में। भाई साइबर पंक का जो थीम है उसका मजा बहुत ही अलग एक्सट्रीम लेवल तक मजा आता है, मतलब देखने में मजा आता है और फील करने में मजा आता है कि भाई बहुत कुछ एनिमेशन देखने को मिलता है। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे थीम के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि साइबर पंक का है। साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और साथ ही वॉल्यूम पैनल वगैरह सब कुछ चेंज देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको सब कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब क्या क्या चेंज है मैं आपको सब बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में तक बने रहना यार। और थीम का नाम मैं आपको बता दूंगा और ये थीम जो है नया है, अभी थीम स्टोर पे आप जाकर सर्च करके देख सकते हो। लेकिन खैर आपको सबसे पहले तो इसका चेंज लॉग देखना पड़ेगा, क्या कुछ बग्स है क्या कुछ बग्स नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भाई मेरा नाम अनिश रॉय, यू आर वॉचिंग टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इंग्लिश मार दिया। तो यार चार्जिंग एनिमेशन से स्टार्ट करते थे, जैसे ही हम लोग चार्ज पे लगा देते हैं फोन को और इसको ऑफ करते हैं तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक एमोलेड स्क्रीन का यहाँ पे आपको एक लुक देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। जितनी बार आप फोन को ऑन करोगे ना तब आपको यहाँ पे ये वाला चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा। पहले पहले मैं डर गया था कि मेरे फोन में क्या हो गया भाई, कोई हैक वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर मैंने देखा कि ये वाला एक एनिमेशन है, बहुत ही खूबसूरत सा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायर चार्जिंग का लिखा हुआ आपको आ रहा है जो कि OnePlus में हमेशा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये अगर नोटिफिकेशन वगैरह आएगा यहाँ पे आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा। मैंने इसको कोई भी मेरे पास यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन नहीं है, मेरा ये पोको M2 Pro है आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो एमोलेड वाला फील आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बार बार ब्लिंक होता रहेगा। यहाँ पे कोई भी मैसेज आएगा तो यहाँ पे आपको साइड वाले में जो है यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का यहाँ पे जो साइड में होता है लाइटिंग वो वाला आपको देखने को मिलता है। जैसे इसको अनलॉक करोगे यहाँ पे आप इससे भी अनलॉक कर सकते हो एक्चुअली में, लेकिन आप जब पासवर्ड नहीं लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और अगर आप पासवर्ड लगा के रखे हो तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे सबको उल्लू बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका डायलर पैड की, तो डायलर पैड में जैसे जाएंगे तो आप देख सकते हो डायलर पैड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सजा हुआ देखने को मिलता है। तो इसको हम डार्क मोड में अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हो लाइट मोड में ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो डार्क मोड में हम ले चलते हैं इसको, तो आप देख सकते हो डार्क मोड में ये अच्छा खासा आपको जो चेंज लॉग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डायलर का जो यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स वगैरह ये भी अच्छे तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैसेजिंग ऐप वगैरह भी चेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते सेटिंग्स की ओर, सेटिंग्स की ओर चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटिंग्स में भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अबाउट फोन में जाएंगे तो अबाउट फोन में आपको यहाँ पे साइबर OOS V12 देखने को मिलता है। ठीक है, डिजाइन बाय शिवंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइबर OOS V12 इसका नाम है इस थीम का, तो मैं आपको थीम स्टोर में जाकर दिखाऊंगा नहीं, जो जो स्किप करेंगे वीडियो को उनको भाई ठुल्लू ये वाला समझ गया। डिजाइन बाय शिवंग, तो भाई थैंक्स शिवंग भाई जिसने इस थीम को मतलब डेवलप किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया है। तो बात करें यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की, वॉल्यूम पैनल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है चेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस टाइप आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है के बाद, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे करते हैं तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंसर के बाद में आपको यहाँ पे कुछ अच्छा खासा आपको चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ एमोलेड टाइप का आपको फील देगा। यहाँ पे अगर आपका कोई भी एमोलेड डिस्प्ले है जैसे कि रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स, रेडमी नोट 10 का सीरीज अगर यहाँ पे हो या फिर दूसरा कोई फोन हो शाओमी का MI का कोई भी सीरीज हो तो वहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये वाला अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा वर्किंग और बहुत ही कूल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कोई भी आप इनेबल करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉर्डर आपका शो होता हुआ दिख जाएगा। अगर कोई भी मैसेज आता है तो यहाँ पे आपको गोल मतलब एक बॉर्डर देखने को मिलेगा, मैसेज पे साइड साइड में एक बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग सा लगता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लाइट मोड की, तो लाइट मोड में हम एक बार स्विच करके आपको बता देते हैं। तो डार्क मोड से हम लाइट मोड में स्विच करते हैं तो आप देख सकते हो कि लाइट मोड में ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वर्क तो नहीं कर रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे आप देख सकते हो गोल गोल यहाँ पे थोड़ा सा बग है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम पैनल जो है ये लाइट मोड में भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम डार्क मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड भी अच्छा लगता है, तो हम डार्क मोड में रखते हैं। ठीक है, तो डेवलपर ने ये कहा है कि अगर आप एक बार इस थीम को अप्लाई करते हो इसको एक बार रिसर्च मारना पड़ेगा तभी यह अच्छी तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेंगे जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग से लगता है। यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर आपको यहाँ पे शो होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है ना वे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन साइज आपको जो वॉलपेपर में एकदम एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अदरवाइज ये जो कैरेक्टर है, सॉरी भाई थोड़ा हवासी मन है, थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, आई मीन ज्वाइन कर सकते हो और मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको कुछ भी रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, हमेशा खुला रहता है ये वाला। और यहाँ पे आप मेरे अपडेट वाले चैनल में तो ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको एप्स वगैरह मॉड वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देखने को मिलता है। तो भाई
इस थीम में भाई यहाँ पे ये सभी है और मैं आपको बूट एनिमेशन दिखा देता हूँ। बूट एनिमेशन भी आपको इस थीम में देखने को मिलता है, देख सकते हो कुछ इस टाइप का। आपको यहाँ पे जब आप स्विच ऑन करोगे मतलब स्विच ऑफ करोगे इसको रिस्टार्ट जब मारोगे तो यहाँ पे आपको एक गोल का आपको जख्ते दिखाई देगा, तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। साला ये बूट जब होता है ना सर दिल धड़कता है, क्यों पता नहीं बूट होगा भी या फिर नहीं होगा, क्योंकि पोको का तो हमेशा से ये सब होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइबर पंक का बहुत ही मतलब एक क्लियर सा आपको यहाँ पे एक बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, एकदम 60 FPS में देखने को मिलेगा, जो कि भाई आपके फोन को एकदम अनोखा बना देगा और आप सबको उल्लू बना सकते हो कि यहाँ पे मैंने साइबर पंक का ही सब कुछ लगा रखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई साइबर पंक का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब कुछ साइबर पंक का ही घुसा हुआ है ही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया, अगर वीडियो बहुत पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे भी मैं हमेशा अपडेट्स देता रहता हूँ टेक रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ मतलब ये सब थीम्स के बारे में। तो ये था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।